अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने डेटिव बॉन्ड के फॉर्मेशन पढ़ी थी कि डेटिव बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। आज हम डेटिव बॉन्ड की एग्जांपल्स देखेंगे। हम सबसे पहले कैटायन की एग्जांपल को देख लेते हैं। NH3 की एग्जांपल हम देते हैं, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन प्रोटोनिक है, हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ठीक है, अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए। यहाँ नाइट्रोजन डोनर है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था, जब डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज होकर डेटिव बॉन्ड बना रहा है और N पर आकर पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। यानी कि ये जो पॉजिटिव साइन है ये आ जाएगा किस पर? नाइट्रोजन पर, और हाइड्रोजन से रिमूव हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, एनायन एग्जाम्पल। क्लोरीन रिएक्ट करेगा BF3 के साथ। क्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 7। जब ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को देगा, किसका? बोरोन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको अब कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब ये इसको कंट्रीब्यूट करेंगे तो फ्लोरीन के पास जो भी चार्ज है वो है नेगेटिव। आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? BF4। ये जो नेगेटिव चार्ज है जब ये न्यूट्रलाइज होगा तो न्यूट्रलाइज होने के बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये F पर जो नेगेटिव चार्ज था ये न्यूट्रलाइज होकर डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो माइनस चार्ज था ये किस पर आ जाएगा? बोरोन पर आ जाएगा। तो अब ये बी माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं B-F4। तो ये एग्जाम्पल है कैटाइन की, ये एग्जाम्पल हो गई एनायन की, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल हम कर लेते हैं न्यूट्रल की, N2O। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इसकी सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक वैलेंसी के साथ कौन? ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डेटिव बॉन्ड बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी है। यहाँ पर ना तो एनायन है ना ही कैटायन की फॉर्मेशन, ना ही एनायन की फॉर्मेशन होगी और ना ही कैटायन की। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो है न्यूट्रल, तो इसीलिए हम इसको N2O लिखते हैं। किसी पर कोई चार्ज नहीं। ट्रिक ये है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की, कि जब भी डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है तो हम उसमें पता किस चलेगा कि वो कोई डेटिव बॉन्ड है। वहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी कोवेलेंसी डिफर करती है, कोवेलेंसी डिफर करती है, मगर उनका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो आप किसी भी एटम का ऑक्टेट अगर मुकम्मल होगा तो आप उससे पहचान सकते हो कि ये डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।